नमस्कार दोस्तों, फैमिली के गुड मॉर्निंग मैसेजेस से लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी मैसेजेस तक, आज के दिन व्हाट्सएप दुनिया की सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुकी है। इनके 2 मिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है, मतलब दुनिया भर में रहने वाले 25% लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी आपने सोच के देखा है कि ये ऐप कम्प्लीटली फ्री टू यूज है, कोई एड्स भी नहीं है इस ऐप पर, तो ये जो व्हाट्सएप कंपनी है ये पैसा कहाँ से कमाते हैं? आज के वीडियो में आइए समझते हैं व्हाट्सएप ऐप का बिजनेस मॉडल क्या है। सिर्फ आप जानते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ मैसेज प्राइवेटली। व्हाट्सएप को शुरू किया था साल 2009 में दो लोगों के द्वारा, ब्रायन एडकम और जॉन कॉम। इन दोनों ने इससे पहले साथ में याहू कंपनी में काम किया था 9 साल तक, और जब इन्होंने याहू कंपनी को छोड़ा ये अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने फेसबुक में अप्लाई किया, रिजेक्शन मिल गया। ट्विटर में अप्लाई किया, वहां से भी इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इनफैक्ट 2009 का यह बड़ा फेमस ट्वीट भी था ब्रायन एडकम का, जब इन्होंने लिखा था कि मैंने ट्विटर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोई नहीं, बड़ा लंबा रास्ता है वहां तक जाने के लिए। फेसबुक से रिजेक्ट होकर इन्होंने ये ट्वीट किया था। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि इसके 5 साल बाद फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था $19 बिलियन देकर। इससे पहले इंटरेस्टिंग ये है जानना कि इन्हें आइडिया कहाँ से आया व्हाट्सएप बनाने का। तो जैन कॉम जो थे वो जिम बहुत जाते थे, और जिम ये जब जाते थे तो इन्होंने रियलाइज किया कि इनके दोस्त इन्हें कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कॉल उठा नहीं पाते थे, कॉल मिस करते रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जो स्टेटस बता सके कि अभी मैं जिम में हूँ, तो मेरे दोस्त ऑलरेडी उस स्टेटस को देखकर समझ जाएं कि अभी मैं जिम में हूँ, तो मुझे अभी कॉल ना करें। तो इस बेसिक आइडिया पर चलकर इन्होंने एक ऐप बनाई, व्हाट्सऐप। खास बात यह है कि इस ऐप में कोई मैसेजिंग नहीं थी, आप मैसेजेस नहीं भेज सकते थे जैसे कि आज के दिन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर यह ऐप सिर्फ व्हाट्सऐप थी। व्हाट्सऐप शब्द आता है व्हाट्सअप से। आप किसी से पूछते हो ना, व्हाट्सअप क्या हाल है आपका, तो आप बस अपना स्टेटस बता सकते थे व्हाट्सऐप पर। यानी कि इस ऐप पर आप अपना स्टेटस बता सकते थे, आप लिख सकते थे कि अभी मैं जिम में हूँ। ये ऐप आपके बाकी दोस्तों को नोटिफाई कर देती थी कि आप अभी जिम में हो। जब आप अपना स्टेटस बदलते तो ये ऐप आपके बाकी के दोस्तों के कॉन्टेक्ट पर नोटिफिकेशन दे देती। बस इसी चीज के लिए ये ऐप बनाई गई थी शुरू में। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने रियलाइज किया कि कुछ लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो इस स्टेटस चीज का इस्तेमाल करने लगे मैसेजेस की तरह। मतलब आपने अपना स्टेटस बदला कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आपके दोस्त ने आपका स्टेटस देखकर कहा अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, तो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपना स्टेटस फिर से बदलकर फिर से कहा कि अब मैं ये तीसरी चीज कर रहा हूँ। तो इस तरह से लोग इसे मैसेजेस की तरह इस्तेमाल करने लग गए। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसे मैसेजिंग सर्विस की तरफ बना दें। तो ये आइडिया जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस टाइम में 2009 के टाइम में सिर्फ एक और ऐसी ऐप होती थी जिस पर आप फ्री मैसेजिंग कर सकते थे, और वो ऐप थी ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी मैसेंजर BBM, जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास ब्लैकबेरी का फोन होना जरूरी था। तो ब्लैकबेरी फोन को इस्तेमाल करने वाले लोग ही उस BBM का इस्तेमाल कर सकते थे, और यहाँ पर एक गैप फिलिंग करी व्हाट्सएप ने। जो बाकी फोन का इस्तेमाल करने वाले लोग थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी जरूरत है एक ऐसी फ्री मैसेजिंग ऐप की, और व्हाट्सएप वो ऐप बनी। कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा डाउनलोडिंग हो गए, व्हाट्सएप को इन्वेस्टर द्वारा फंडिंग आने लगी, व्हाट्सएप की पॉपुलरिटी अपने आप ही तेजी से बढ़ने लगी, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कोई ऐड किए, क्योंकि लोगों को पसंद आता, लोग अपने दोस्तों को बताते, वो दोस्त अपने दोस्तों को बताते, और ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। क्योंकि बात क्या है, आपको याद होगा 2009 के टाइम पर बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे इन टेलीफोन कंपनी के द्वारा एक एक SMS को भेजने के लिए। कॉलिंग के मिनट्स पर पैसे चार्ज किए जाते थे, बड़ा महंगा पड़ता था। यहाँ पर क्लियर कट फ्री ऑप्शन था, इसलिए लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने लगे। अगले 2 साल में ये ऐप top 10 ऐप में आ गई ऐप स्टोर में। अब ये चीज ऑलमोस्ट हर देश के लिए सही थी एक्सेप्ट अमेरिका। अमेरिका में क्या था, 2009 में ही ज्यादातर इनकी जो टेलीफोन कंपनीज थी वो फ्लैट रेट दे रही थी SMS के और फ्री कॉलिंग के मिनट्स देने लग रही थी। तो अमेरिका में रहने वालों के लिए इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं था कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, वो अपना SMS ही यूज करते रहे। और आज के दिन तक अमेरिका USA वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है व्हाट्सएप के लिए। सोच सकते हो व्हाट्सएप को अपनी ग्रोथ एक्चुअली यूरोपियन, एशियन एंड अफ्रीकन देशों से मिली। अच्छा, पैसों की बात करें तो शुरुआत के दिनों में ज्यादा खर्चा नहीं था व्हाट्सएप को चलाने का। इनकी एक छोटी सी टीम थी, छोटी सी इन्होंने एक सिंपल सी ऐप बनाई थी
इस पर ना तो कोई मार्केटिंग का खर्चा कर रहे थे, ना कोई एड्स देने का खर्चा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा खर्चा इनको पड़ रहा था व्हाट्सएप को चलाने का, वो एक्चुअली में SMS भेजने का खर्चा था। जो वेरिफिकेशन टेक्स्ट भेजती थी व्हाट्सएप जब भी कोई नया यूजर ज्वाइन करता है, तो उसके वेरिफिकेशन टेक्स्ट को भेजने के लिए वो जो एक SMS पर यूजर इन्हें भेजना पड़ता था, वो इनके लिए सबसे बड़ा खर्चा पड़ता था उन दिनों में। सोच लिए कितने यूजर ज्वाइन करते होंगे एक दिनों में। कुछ तो इन्वेस्टमेंट आ रही थी इनको सक्सेसफुल होता देख, और कंपनीज व्हाट्सएप में इन्वेस्ट करना चाहती थी, इन्हें पैसे देती थी शेयर खरीदने के बदले, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी तेजी से नहीं आ रही थी। तो इन्होंने अपना एक नया बिजनेस मॉडल सोचा। व्हाट्सएप ने $0.99 $1 पर ईयर अपने यूजर से चार्ज करना शुरू कर दिया। आपने सही सुना, व्हाट्सएप अब फ्री ऐप नहीं रही, बल्कि $1 चार्ज करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, इतने अच्छे तरीके से ऐप काम करती थी, और ऊपर से नए फीचर्स ऐड करते जा रही थी, जैसे फोटो भेज सकते थे आप व्हाट्सएप से, तो इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रही। 2011 तक आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप बन गई प्ले स्टोर पर। एटकन जो थे एक चीज में बड़े क्लियर थे, उन्होंने अपने टेबल के ऊपर एक नोट चिपका रखा था, नो एड्स नो गेम्स नो गिमिक्स। ये कोई एड्स नहीं रखना चाहते थे व्हाट्सएप पर, ना कोई फालतू के फीचर्स ऐड करना चाहते थे जिनका कोई पर्पस नहीं था, इसलिए ये ऐप को सिंपल एंड टू द पॉइंट रखना चाहते थे। एक मैसेजिंग के लिए ऐप बनाई गई है, और इस एक काम में ये ऐप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई और ऐप इसे कम्पीट नहीं कर पाए, लोग इसे ही इस्तेमाल करते रहे। इनका ये $1 वाला बिजनेस मॉडल बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 3 सालों के अंदर व्हाट्सएप एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। जितना भी पैसा ये कमाते उसे ये अपनी छोटी सी टीम पर खर्च करते, ताकि व्हाट्सएप पर नए फीचर्स ऐड किए जा सके, कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम निकल के आ रही थी तो उसे भी ठीक किया जा सके, और एक रिलायबल मैसेजिंग ऐप बनाई जा सके। इनका कहना था कि ओवर प्रोडक्ट इज ओवर पैशन, योर डाटा इज नॉट इवन इन द पिक्चर, हमें आपका डाटा लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की, जहां से पूरा मॉडल तहस नहस शुरू होना शुरू हो गया। पिछले तो 2012 से ही मार्क जकरबर्ग कोशिश कर रहे थे व्हाट्सएप को खरीदने की, लेकिन फरवरी 2014 में जाकर डील फाइनलाइज होती है, और $19 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया जाता है फेसबुक के द्वारा। और जितने भी एम्प्लॉयज व्हाट्सएप के अंदर काम कर रहे थे वो सब अब फेसबुक के एम्प्लॉय बन जाते हैं। वैसे तो व्हाट्सएप फाउंडर की मीटिंग गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ भी हुई थी, लेकिन गूगल के साथ उनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई। फेसबुक इतना ज़्यादा डेस्परेट था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन व्हाट्सएप ही था, और 2014 तक आते आते कई मैसेजिंग एप्लीकेशन निकल कर आ चुकी थी कॉम्पिटिशन में, जैसे कि WeChat, Kik, Line और Viber। फिर फेसबुक ने देखा कि अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को खरीद लिया जाए तो अपने आप फेसबुक मैसेंजर प्लस व्हाट्सएप हमारी कंपनी के कॉम्पिटिशन में कोई नहीं बचेगा, और इसके अलावा व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूजर्स का डाटा है, और हम इस डाटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसा कमाने के लिए, क्योंकि फेसबुक डाटा बेचकर ही तो अपनी कंपनी चलाता है। इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, फेसबुक का क्या बिजनेस मॉडल है। इस डील के बाद एक्टर एंड कॉम व्हाट्सएप के फाउंडर्स रातों रात बिलियनरी बन गए। अगर आप सोच रहे हैं कि उनका क्या रीजन था व्हाट्सएप को बेचने के पीछे, तो फेसबुक ने मार्क जकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन खरीदने के बाद भी व्हाट्सएप को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होते देते रहेंगे, तो हम आपके काम में इंटरफ्रेंस नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया था। सुनने में ये डील बहुत अच्छी लगती है कि हमें पैसे भी मिल गए और हमें हमारी वैल्यूज पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा, लेकिन इस कहानी में एक हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच में आने वाले टाइम में कॉन्स्टेंटली टकराव देखने को मिला। व्हाट्सएप की जो टीम थी, व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे, और फेसबुक जिस तरह से उन्हें प्रेशराइज कर रहा था। जनवरी 2016 में एक न्यूज़ आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 की फीस हटा दी है और व्हाट्सएप दोबारा से फ्री एप्लीकेशन बन गया है। इसके पीछे कई ऐसे रीज़न बताया जाता है कि कई ऐसी कंट्रीज है जैसे इंडिया, जहाँ पर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, वो इस $1 की फीस को पे नहीं कर पा रहे थे, और कई लोग एक्चुअली में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर इस ऐप को फ्री बनाना कई ज़्यादा यूज़र बेस डेवलप करता है, तो इन्होंने सोचा कि अब हमें और यूजर्स में एक्सपेंड करना है,
और हम चाहते हैं कि और लोग हमारी ऐप को यूज करें, तो अब हमें हमारी ऐप को फ्री बनाना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या बिजनेस मॉडल यहाँ पर लगाया जाए, कैसे पैसे कमाए जाए। कहा जा रहा था इस समय में कि WhatsApp बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश करेगा और वहां से कोई रेवेन्यू सोर्स ढूंढने की कोशिश करेगा। इसी समय में मार्क जकरबर्ग के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था अपने इन्वेस्टर से कि WhatsApp पे $19 बिलियन खर्च किए हैं, किसी तरीके से वहां से पैसे कमाने पड़ेंगे, किसी तरीके से दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए इसे खरीदना प्रॉफिटेबल रहा है। हमें जल्दी से जल्दी WhatsApp को प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, WhatsApp से और पैसा कमाना पड़ेगा। मार्क ने उल्टा प्रेशर बनाया WhatsApp के फाउंडर के ऊपर और WhatsApp के फाउंडर तंग आकर फाइनली 2017 में उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि अब हमसे नहीं होता। और ब्रायन एटकन ने 2017 में अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद जेन कॉम ने भी WhatsApp कंपनी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि Facebook की जो राय है डाटा प्राइवेसी पर, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल थोपना चाहते हैं WhatsApp के ऊपर, ये उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये उसे किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं कर सकते और इसीलिए ये WhatsApp को छोड़कर जा रहे हैं। 2018 के बाद आप कह सकते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने पूरी तरीके से अपना कब्जा जमा लिया था WhatsApp कंपनी के ऊपर। ब्रायन एटकन आगे चलकर एक नॉन प्रॉफिट सिग्नल फाउंडेशन की शुरुआत करते हैं, जिसकी मदद से हमें मिल पाती है हमें नई मैसेजिंग एप्लीकेशन सिग्नल। और आप जानते ही होंगे कि बहुत से लोग सिग्नल को WhatsApp से कंपेयर करते हैं और मानते हैं कि सिग्नल कई मायनों में एक बेहतर एप्लीकेशन है, क्योंकि ये आपके डाटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करती है, फ्री एप्लीकेशन है WhatsApp की तरह, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन है। इस बार ब्रायन ने कहा, छोड़ो ये बिजनेस मॉडल का झंझट, जब भी हम पैसे के पीछे भागते हैं तो यहाँ पर हमें किसी न किसी तरीके से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हमारे कंपनी के प्रिंसिपल पर, और इसीलिए ये सिग्नल ऐप एक नॉन प्रॉफिट एप्लीकेशन रहेगी। हमें पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को उनकी डाटा प्राइवेसी देंगे और एक फ्री मैसेजिंग ऐप देंगे जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और थैंकफुली हमें आज ऐसी एक ऐप मिल पाई, लेकिन ये वीडियो WhatsApp के ऊपर है। तो WhatsApp का आगे जाकर हुआ क्या, क्या निकाला बिजनेस मॉडल WhatsApp ने? 2018 में Facebook ने WhatsApp बिजनेस ऐप लॉन्च करी। इस ऐप में अब बिजनेस अपने बिजनेस प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं और जो वेरीफाइड बिजनेस है वो अपनी वेबसाइट को और Facebook पेज को लिंक कर सकते हैं इस बिजनेस प्रोफाइल से। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक एस्टैब्लिश कर दिया Facebook ने Facebook पेज का और WhatsApp का। जो लोग इस बिजनेस प्रोफाइल पर जाते वो अब इसके थ्रू Facebook पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर Facebook को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन बना दिया। जो भी नए यूजर्स बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे वो अब Facebook प्रोफाइल में जा सकते हैं एक क्लिक के साथ। अब हालांकि WhatsApp बिजनेस एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री टू यूज है, लेकिन जो बिजनेस API है उससे पैसा कमाता है WhatsApp। API होता क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बेसिकली एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है या कोई फंक्शन या टास्क परफॉर्म कर सकती है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो जब आप Uber से कोई टैक्सी बुक करवाते हो तो आपने देखा होगा कि Uber पर एक मैप बना होता है, उस मैप में एक गूगल का वाटरमार्क बना होता है। बेसिकली गूगल मैप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है Uber को ताकि Uber उसे अपनी ऐप पर एक मैप दिखा सके। ऐसा तो नहीं है गूगल ने Uber को बनाया है, बल्कि हो क्या रहा है, यहाँ पर गूगल मैप अपना API प्रोवाइड कर रहा है Uber को, अपना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली WhatsApp अपना API भेजने लग रहा है बिजनेसेस को। अगर बिजनेस चाहते हैं बहुत सारे कस्टमर वो उन्हें WhatsApp पर लिखें तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर पाए क्यूरी को, तो ये तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप WhatsApp का API का यूज करते हैं तो वो शिपिंग कन्फर्मेशन, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर एंड इवेंट्स टिकट भी भेज सकते हैं अपने कस्टमर को। और WhatsApp बिजनेस के वर्जन में ऑटोमेटिकली रिप्लाई है, मतलब आपको कोई मैसेज करता है और कोई चीज खरीदना चाहता है तो आप उसे ऑटोमेटिकली रिप्लाई भेज सकते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो ये एक प्रीमियम सर्विस है जो कि बिजनेसमैन के लिए बनी हुई है। अब बिजनेसमैन के लिए बनी हुई है तो बिजनेसमैन से पैसा भी लिया जा सकता है। तो नॉर्मली ऑटो रिप्लाई को भेजने के लिए कोई पैसा नहीं है, मगर आप उनकी प्रीमियम सर्विस लोगे WhatsApp की तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। तो WhatsApp पहले बहुत सारे लोगों को ले आया उस लोगों की मदद से, तो अब जो दूसरे लोग जो बिजनेसमैन है अब वो उनसे पैसा कमा रहा है। पैसे कमाने का मॉडल ये है कि बिजनेस 24 घंटे में रिप्लाई कर देते हैं तो वो मैसेज भेजना फ्री है,
लेकिन अगर 24 घंटे बाद उन्हें रिप्लाई करना है तो फिर उसके लिए उन्हें थोड़ी फीस पे करनी पड़ती है। और ये फीस कितनी होती है, ये अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फीस है। इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग कंट्रीज की फीस क्या है। इंडिया के लिए 0.0038 यूरोज है पहले 250K मैसेज के लिए, जो बेसिकली अराउंड 30 पैसे होता है। अब आप सवाल पूछोगे कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन सर्विस का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसका जवाब है दोस्तों, वो कंपनीज जो मिलियंस ऑफ कस्टमर में डील करते हैं, जैसे एयरलाइन टिकट्स हो गए, या ट्रेवल टिकट्स हो गए, या मूवी टिकट्स हो गए, या कोई बड़े बैंक हो गए। एक्चुअली व्हाट्सएप बिजनेस का इस्तेमाल करने वाली बड़ी कंपनीज है सिंगापुर एयरलाइंस, booking.com, Uber, Make My Trip, Netflix, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। अब फेसबुक यहाँ रुका नहीं दोस्तों, फेसबुक और तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे और पैसे कमाया जा सके व्हाट्सएप से। इसीलिए अब इन्होंने एक पेमेंट का ऑप्शन भी डाला है, इंडियन यूजर्स के लिए स्टार्ट किया है ये P2P पेमेंट कर दे। तो व्हाट्सएप पे भी एक सर्विस यूज करी जा रही है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि आम लोगों के लिए व्हाट्सएप पे को यूज करना फ्री रहेगा, लेकिन जो बिजनेसेस होंगे उन्हें फ्लैट 3.99% की फीस पे करनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन के लिए। नवंबर 2020 में व्हाट्सएप पे को इंडिया में लॉन्च किया गया था और एक्सपेक्ट किया गया था कि ये फीचर बड़ा पॉपुलर बनेगा, लेकिन थैंकफुली हमारे देश में पहले ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एग्जिस्ट करता है, जो इतने ज़्यादा पैसे नहीं चार्ज करता बिजनेसेस से। इसी रीजन से व्हाट्सएप पे सिर्फ 0.02% पहुंच पाया है UPI के वॉल्यूम तक। टोटल में 2.2 मिलियन ट्रांजैक्शन आज के दिन तक करी गई है व्हाट्सएप पे पर, जो 104 करोड़ रुपीस वर्थ है जिनकी। इसके अलावा फेसबुक सोच रहा है कि एड्स भी लाएं व्हाट्सएप पर, और भी पैसे कमा सकेंगे हम। प्लान किया जा रहा है कि व्हाट्सएप में जो स्टेटस होते हैं वहां पर एड्स लगाई जाएगी। अब अगर टोटल में बात करी जाए दोस्तों कि कितना रेवेन्यू जनरेट करता है फेसबुक के लिए, तो इसका हमारे पास डिटेल इन्फो नहीं है, जैसा कि दूसरी कंपनीज बताती है पब्लिक अवेलेबल डाटा। क्योंकि व्हाट्सएप कंपनी का एक हिस्सा है, इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप का अलग से ब्रेकडाउन नहीं दिखाता है। एस्टिमेट जरूर किया गया था फोर्ब्स के द्वारा 2017 में, व्हाट्सएप के जब 1.3 बिलियन यूजर्स थे, इन्होंने कहा था कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर व्हाट्सएप $4 से लेकर $12 तक जनरेट कर सकता है। व्हाट्सएप की जो इंडियन डिवीजन है उन्होंने टोटल में 6.84 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया सन 2019 में, और प्रॉफिट इनका बताया गया सिर्फ 57 लाख रुपीस। 3.43 करोड़ इन्होंने स्पेंड किए एम्प्लॉयज को सैलरी देने में, 1.3 करोड़ बिजनेस को प्रमोट करने में, लीगल फीस में और प्रोफेशनल फीस में। फाइनेंशियली 2018 में एक्चुअली में 5 लाख रुपीस का लॉस हुआ था व्हाट्सएप को इंडिया के ऑपरेशन से, और इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस व्हाट्सएप ऐप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया भर में 50 लाख लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे और बिजनेस इस ऐप का इस्तेमाल करने लग रहे हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए, यहाँ व्हाट्सएप कॉमर्स का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जहाँ पर कई ऐसे बिजनेस उभर कर आते हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को बेचने लग रहे हैं। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी रिलायंस जियो में। इस डील के बाद जियो मार्ट, जो रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो व्हाट्सएप को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जिस पर चीज़ें बेची और खरीदी जाएगी, जिस पर पेमेंट भी करी जाएगी, और जिस पर आपको एड्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इसके अलावा मार्क जकरबर्ग का क्या प्लान है व्हाट्सएप के डाटा को लेकर, ये तो ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी हाल ही में। लोग सवाल उठाते हैं कि किस तरह से आने वाले टाइम में व्हाट्सएप के डाटा का यूज़ किया जाएगा। कई लोग आरोप लगाते हैं कि फेसबुक यहाँ पर डेफिनेटली उस डाटा का इस्तेमाल करेगा और पैसे कमाने के लिए, ये तो टाइम ही बताएगा। मगर ये मैं उम्मीद करता हूँ कि व्हाट्सएप की कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।